नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद ज्योति रेसिपीज में। आज हम बना रहे हैं मिक्स वेज अचार। जी हाँ, बहुत टेस्टी लगता है, विंटर सीजन है, इन सब्जियों का सीजन है। गोभी, गाजर और शलगम का अचार बना रहे हैं। बहुत ही इजी है और ये साल भर आसानी से चलता है। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। मिक्स वेज अचार बनाने के लिए मैंने गोभी ली है, शलगम, गाजर, अदरक और हरी मिर्च ली है। सारी क्वांटिटी देखी जाए तो 1.5 से 2 किलो के बीच है। इनको अच्छे से धो लेंगे, गाजरों को पिल कर धो के काट लेंगे। इन सभी सब्जियों को हम ब्लांच करेंगे, यानी 20% तक इन्हें पानी में उबालेंगे। पतीला लेंगे, थोड़े बड़े साइज का लेना जितने में आपकी सब्जियां आ जाएं, और थोड़ा हल्का उबाल आने पर सब्जियां इसमें डाल देंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही इसे उबालेंगे। इससे ज्यादा नहीं उबालना, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएंगी। ये हमारी उबल चुकी है, एक छलनी में इसे पानी में चढ़ने देंगे अच्छे से। जब इसका पानी सारा निकल जाए तो इसे एक टॉवल पे या सूती कपड़े पर डाल दें और धूप लगने दें। अगर धूप नहीं आती है तो पंखे में 2 से 3 घंटे तक रहने दें, यानी जब तक इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए। ये मैंने लगभग धूप आ गई थी, 2 से 3 घंटे से धूप में रखा है। अदरक छील दिया, और ये फ्रेंड्स अदरक के छिलक फेंकेंगे नहीं, चाय में यूज कर सकते हैं, सुखा के चाय पत्ती में भी इसे डाल सकते हैं। अब हम मसाला तैयार करेंगे। एक पैन लेंगे और उसमें डाला है मैंने 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ और मेथी दाना, और लगभग 15 से 20 दाने काली मिर्च के। इन्हें अच्छे से भून लेना है। हाँ, ज्यादा नहीं भूनना है, इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और इनको थोड़ा ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। अब ले रही हूँ सरसों का तेल 1 कटोरी, मीडियम साइज की कटोरी ले, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है। यहाँ ये सरसों का तेल मेरा गरम हो चुका है, गरम कर इसे थोड़ा ठंडा कर देंगे। गैस को गरम करके फ्लेम बंद कर दें और ये ठंडा हो जाएगा, तब इसमें 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच हल्दी का, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च हम हरी मिर्च भी डालेंगे ना, इसे लाल मिर्च 1 चम्मच काफी है, देगी मिर्च भी डाल सकते हैं, और धनिया पाउडर डाला, इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ सब्जियों को बड़े बर्तन में डालें। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच राई, राई को मैंने पीस लिया है दरदरा करके, और ये गरम तेल इसमें डाल देंगे। और डालेंगे अब इसमें जो ग्राइंड किया हुआ हमारा मसाला, और अब इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च, लाल मिर्च और अदरक, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 चम्मच नमक। नमक पहले हम थोड़ा ही डालेंगे, टेस्ट के देख लेना जिस हिसाब से आप खाते हैं, अगर आपको कम लगे तो बाद में और डालना। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सिरका, विनेगर। इससे अचार हमारा टेस्टी तो बनता ही है और लंबा चलता है, इजिली खराब नहीं होता। और ये अचार हमारा तैयार है, एकदम से भी खा सकते हैं बनाते हैं, पर अगले दिन इसे खाते हैं तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स, मेरी गारंटी है जब ये अचार आप खाएंगे तो आप सब्जी को भूल जाएंगे। दिखने में इसका रंग थोड़ा फीका लग रहा है, पर एक्चुअल में कैप्चर में थोड़ा फीका लग रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी रेसिपी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक दें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।